दोस्तों आज क्विक अनबॉक्सिंग करेंगे Redmi Note 8 की। बात करेंगे लॉकडाउन के बाद इसकी प्राइस कितनी बढ़ गई है, साथ ही साथ बात करेंगे गवर्नमेंट के ऑर्डर की जो कि चाइनीज ऐप को लेके थी, जो कि चाइनीज ऐप इंडिया में बैन कर दी गई थी। वो ऐप अभी भी चाइनीज फ़ोन अपने मोबाइल में डाल के दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, हम आज चेक करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों यह है Redmi Note 8 का बॉक्स जो कि अभी ऑनलाइन आया है हमारे पास। अमेजोन से हमने इसे ऑर्डर करा था और ये देख लेते हैं यह किस तरीके से यह दिया गया है। ये देख सकते हैं आप Redmi Note 8 पीछे लिखा गया है 48 मेगापिक्सल इसका क्वाड रियर कैमरा और 18 वाट का फास्ट चार्जर, 4000 mAh की बैटरी, स्नैपड्रैगन 665 के साथ और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आगे पीछे दी गई है। अगर हम डब्बे में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मेड इन इंडिया यहाँ पर लिखा गया है जो कि रेड कलर से आप देख सकते हैं, इसमें वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसको हम खोलेंगे, पेन से हम इसे खोल रहे हैं क्योंकि चाकू हमारे पास अभी है नहीं, इसकी सील हम खोल रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो ये रेड कलर में वहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। दोस्तों होता है असेंबल होता है इंडिया में, लेकिन ये मेड इन इंडिया करके दे देते हैं। तो जब बॉक्स खोले तो सबसे पहले हमें एक वाइट कलर का छोटा सा बॉक्स मिला है अंदर से। इसके अंदर हमने देखा तो एक केस मिला हमें और यहाँ पर ये यूज़र गाइड हैं, फ़ोन के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। अगर कवर की बात करें तो मुलायम सा है, मतलब ठीक ठाक है, जो कि आपके फ़ोन को यहाँ पर सेफ्टी देगा। और अंदर और चीज़ सिम इजेक्टर पिन भी होगी इसमें। जी हाँ, यहाँ से अभी हम खोल के देखते हैं इसको। ये देखिए सिम इजेक्टर पिन भी है इसमें, वही नॉर्मल तरह की दी गई है। अब फ़ोन की बात करें तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है बॉक्स के अंदर। इसको भी हम निकाल लेते हैं, ये देख सकते हैं आप। हमने ब्लू कलर का मंगाया था तो दो कलर इसमें दिखते हैं, हम आपको फ़ोन निकाल के दिखाते हैं कुछ इस तरीके का लुक है। देखिए फर्स्ट लुक, और यहाँ पर स्क्रीन में पन्नी Redmi Note 8 करके दी गई है। इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन दिया गया है आगे भी और पीछे भी, ऐसा कंपनी का कहना है। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन को जिस तरीके से मिलेगी, इसमें लगा हुआ स्क्रीन गार्ड वहाँ से नहीं आएगा। अभी बैक साइड की हम बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का शाइनी लुक आता है क्योंकि ग्लास यहाँ पर लगा के दिया गया है और दो कलर इसमें आपको देखने को मिलेंगे। हमने ये ब्लू मंगाया था, ऊपर से कुछ ब्लू है, नीचे को थोड़ा बैगनी टाइप का है। और हम इसको बूट के लिए लगा देते हैं, तब तक हम डब्बे में देखते हैं और क्या चीज़ें मिली हैं। यहाँ पर एक हमें डाटा केबल मिली हुई है जो कि USB टाइप सी है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं USB टाइप सी इसमें मिला है। और चार्जर की हम बात करें तो ये देख सकते हैं आप, ये हमें चार्जर मिला है तो 5 वोल्ट 12 वोल्ट का चार्जर है। तो फ़ोन हो गया हमारा स्टार्ट और इसको जस्ट वन क्लिक करने के बाद यह दिखा देगा, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर हमें फाइनलाइज चूज़ करने के लिए दे दिया है। यहाँ पर OS जो है वो इसमें MIUI 11 दी गई है, तो आप देख सकते हैं। और साइड से अगर हम इसे देखें तो पावर की और वॉल्यूम अप और डाउन की दी है यहाँ पर राइट साइड में। और ऊपर की तरफ देखें तो एक एयर ब्लास्टर दिया गया है और सेकेंडरी माइक दिया गया है। और इसके लेफ्ट साइड में देखें तो सिम ट्रे दी गई है। और नीचे की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीकर USB टाइप सी, यहाँ पर हेडफोन जैक और यहाँ पर सेकेंडरी माइक दिया गया है। तो फ़ोन हमारा ऑलरेडी यहाँ पर बूट हो चुका है, ये देख सकते हैं हम, फाइनल हो चुका है। और हम देखेंगे इसमें कि गवर्नमेंट के ऑर्डर को कितना मान रहे हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें हेलो ऐप जो कि बैन की गई है वो यहाँ पर अभी भी इंस्टॉल करके आ रही है। तो एक ऐप हमें मिल गई यहाँ पर जो कि बैन थी और अभी भी आ रही है, इसको अनइंस्टॉल करने का बाहर से आ ही नहीं रहा है। अब हम कैमरा सैंपल आपको दिखाते हैं। कैमरा अगर आप बात करें तो नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, 48 मेगापिक्सल, नॉर्मल मोड,
वीडियो शॉर्ट वीडियोस का ऑप्शन, ये सब आपको मिल जाएगा अलग से। यहाँ पर काफ़ी ढेर सारे फंक्शन दिए गए हैं, तो ये कैमरा का आप यूज़ करके अपने हिसाब से फ़ोटो खींच सकते हैं। कैमरा थोड़ा खास मतलब ठीक ठाक है, मतलब इतना अच्छा भी नहीं है, इतना बुरा भी नहीं कहेंगे, लेकिन इस प्राइस रेंज में अच्छा है कैमरा। और अगर हम इसके अंदर MIUI के आपको दिखाएं तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको इसका इंटरफेस। फ़ोन ठीक है, इसका बिल्ड क्वालिटी भी बड़ा अच्छा है। आगे पीछे का गोरिल्ला ग्लास 5 लगा के दिया गया है। कैमरा सेटअप आप देख सकते हैं इस प्रकार से दिया गया है। ट्रिपल क्वाड स्लॉट है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ। और इसमें एक ऐप हमें ऐसी मिली जो कि गवर्नमेंट द्वारा बैन की गई है, और उसको डायरेक्ट हम इंस्टॉल भी नहीं कर सकते। हमने काफ़ी कोशिश करी कि उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दें, लेकिन बाहर से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों उस ऐप को अनइंस्टॉल करने का। तो उसको अंदर से सेटिंग से जाकर आपको डिसेबल करना पड़ेगा, वही हमने भी करा बाद में। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट के ऑर्डर को कितना फॉलो कर रहे हैं, फिर भी एक ऐप तो हमें ऐसी मिली गई जो कि बैन है, बाकी ऐप तो इनने हटा दी हैं अपने फ़ोन से। तो अगर इस फ़ोन की प्राइसिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो अब इसकी प्राइसिंग हो चुकी है 12,799 रुपये। तो आप देख सकते हैं जब ये लॉन्च हुआ था तो 10,000 का लॉन्च हुआ था, अभी इसकी प्राइसिंग इतनी ज़्यादा कर दी गई है लॉकडाउन के बाद। कोरोना कोविड-19 के हवाला देते हुए इनने प्राइस इंक्रीज़ कर दी है। हालांकि कुछ वहां पर ICI के कार्ड पर ऑफ़र रखे हैं, लेकिन वो ICI वालों को ही मिल पाएंगे। बाकी जानकारी हमने इस फ़ोन के बारे में नहीं दी है, क्योंकि यह फ़ोन पुराना है और ज़्यादातर लोगों को इसके फीचर्स तो पता ही होंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपना सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ इस वीडियो को कर दीजिए शेयर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह इन्फॉर्मेशन पहुँच सके कि अभी भी रेडमी के फ़ोनों में जो गवर्नमेंट ऑर्डर के बाद भी चाइनीज़ ऐप को दे रहे हैं, वह इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत करिए।